मंडे मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। और संडे का व्लॉग पूरा नहीं हो पाया, मैंने कहा क्यों नहीं दोबारा से मैं इसको स्टार्ट कर लूँ। सुबह सुबह का टाइम है और ऑफिस जाना है दिवाकर को, बज रहे हैं 7 अभी, और मैंने सोचा क्यों नहीं लंच तो बना नहीं है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हाई प्रोटीन लंच दिवाकर के लिए। और डेफिनेटली एक दो औरतों ने, मतलब एक दो लड़कियों ने, औरत नहीं लड़कियों ने, एक दो लड़कियों ने कहा कि सोनिया मेरे हस्बैंड का भी वेट का बहुत इशू है, कैसे कम करवा रहे हो आप दिवाकर जी को, क्या कर रहे हो, क्या खिला रहे हो, कैसे कर रहे हो, प्लीज़ शेयर करो, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या खिला पिला रही हूँ, है ना। तो फाइनली मैंने आज मुझे बनाना है हाई प्रोटीन लंच दिवाकर के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे भिगो के रखे हैं काले वाले चने छोले, ये रे ओके। तो मैं इसको जो है वो उबालने हैं मुझे, और उबालने के बाद छोले बनाने हैं बेसिकली, बहुत कम और तेल कम तेल और मसालों में, तो क्योंकि हमारी दालों में बहुत प्रोटीन होता है, स्पेशली चने में, है ना, ये वाले चने, ब्लैक वाले चने। इस जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं या फिर जो भी जिम वगैरह कर रहे होते हैं प्रोफेशनल तरीके से, उनको अगर आप देखोगे तो अगर वो वेजिटेरियन में किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं तो वो चना होता है, तो चनों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो चने अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट में इनको भिगो के नमक मिर्ची नमक, हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या करें नेटवर्क का, हाँ तो उस तरीके से भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और लंच में भी बना सकते हैं। छोले उबालते वक्त आपको इसमें जो पानी डालना है वो आपको बिल्कुल, मतलब अच्छा और सच्चा स्वच्छ पानी डालना है, क्योंकि इस पानी को हम बाद में ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे, तो वहाँ का पानी ना यूज़ करके जिस पानी इसको पीते हैं वो पानी ऐड करना है। चूँकि इसे उबलने में टाइम लगता है तो पानी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ, ताकि अगर सीटी इसमें सीटी बार बार आए तो इसका पानी ना सूख जाए, तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इससे हेल्प मिलेगी इसको उबलने में। सोनिया आजकल तो बहुत टैलेंटेड हो गई हो सोनिया, थैंक यू सो मच। ओके बी दिवाकर जी का गर्म हो गया, यहाँ पे मैंने बॉईल कर दिया अच्छे से, और इसमें मैंने बहुत सारे छुआरे और किशमिश डाले हैं जो कि अभी आपको दिखेंगे, देखिए रुक जाओ, ये देखो छुआरे और किशमिश, इनको मैं बॉईल करती हूँ अच्छे से, लगभग मतलब दूध को बॉईल करके थोड़ा सा गाढ़ा करती हूँ बेसिकली, तो छुआरे जो है ना ये तो ये अच्छे से बॉईल हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम होती है, तो थिक हो जाता है दूध भी, क्योंकि पीने के लिए मैं टोन दूध यूज़ करती हूँ दिवाकर के पीने के लिए, टोन दूध, डुग्गू फुल क्रीम दूध, मैं स्किम मिल्क, घर में तीन प्राणी हैं और तीनों अलग अलग दूध।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? तैयारी हो रही है ऑफिस की। ऑफिस की तैयारी हो रही है। आजकल बहुत जेंटलमैन बन के आते हैं दिवाकर ऑफिस। हाँ, बहुत लॉकडाउन का फायदा उठा लिया। हाँ, जींस बिल्कुल बंद हो गई है दिवाकर जी, और प्रोफेशनल कपड़े जो है पहनना बिल्कुल शुरू कर दिए हैं, और सीटी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। चालू जी सीटी मारते जा रही है। अपना काम खुद करना चाहिए, बीबियों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ओह, बीबी खुश रहती है। ओह, और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा बरसाती रहती है। बरसाती रहती है क्या? क्या क्या? हाँ, क्या क्या? कभी डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि क्या? बीबी खुश रहेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। बीबी से कम काम कराओ। ओहो, अपना अच्छा, वेरी गुड। सब ये आज का सुविचार है सारे पतियों के लिए। ओके, कुकर मेरा यहाँ मैंने मतलब सीटी मार रहा है, और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। जला लेते हैं इसको फटाफट से, कैमरे की बैटरी भी जा रही है। सिर्फ एक चम्मच तेल, बस ज़्यादा नहीं। देखो पास से एक ही चम्मच है। तैयार हो गए दिवाकर जी, बिल्कुल डैशिंग मैन बन गए हैं, और बहुत ही ज्यादा है जो लगते हैं ना। प्रोफेशनल डेली आप प्रोफेशनल कपड़े ही पहनेंगे? नहीं, बी प्रोफेशनल डेली। हाँ, वैसे भी अच्छा लगता हूँ यार। अच्छे लगते हो, बट ऐसे ऐसे मतलब ऐसे तो गजब लगते हो। अब आप सोचो कि आपको अच्छा लगना है कि गजब लगना है। गजब लगना है। क्योंकि मुझे तो गजब दिखने वाले दिवाकर पसंद है, है ना? अरे यार, जूम कर रखा है मैंने, तभी मैं सोचूं मैं इतनी मोटी मोटी और चेहरा कैसे आ रहा है। हेलो। हेलो नहीं, हेलो। हेलो, खड़े तो हो जाओ। ऑफिस की तैयारी हो रही है। यस। और ये टॉनिक मिल गया है मुझे। हाँ, सुबह की टॉनिक ये 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे तक सपोर्ट देता है। उसके बाद एक फल, कोई भी फल, और फिर ये बिना तेल वाला लंच। अरे सॉरी, चने वाले, चना मसाला, है ना? दिवाकर का आज का लुक देखो, है ना? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ओहो, जीत जाएंगे हम, तू अगर संगी है।
जिंदगी ओहो जिंदगी होता है हर कदम एक नई जंग है। बहुत अच्छा लगता है ये गाना, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। ये ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रखा है, नहीं तो ये इसमें गैस बन जाती है जब ज्यादा गर्म ढक्कन। एक बार इन्होंने ऐसे ही गर्म रख दिया था बैग, गरम गरम वो खुल गया, पूरा बैग खराब हो गया। दाल पालक बनाई थी गरम गरम, पैक कर दी, लेट हो रहा है मैंने पैक कर दिया और वो उसने अंदर ही गैस बना के और वो ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुला, जब मैं बैग खोल रहा हूँ देखा पूरा एकदम पूरे डॉक्यूमेंट्स में पूरे बैग में दाल पालक हो गया। इसलिए थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं इसको पैक करती हूँ। मैंने अभी दिवाकर को कॉल किया, मैंने पूछा कि मैं सिलेंडर जो है बाहर रख रही हूँ, कह रहे हैं पागल हो गई हो क्या, एक तो फर्स्ट फ्लोर है, कोई भी चढ़ के रात भी रात गायब कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कानो कान, और दूसरा जहाँ मैं रखने की बात करी थी वहाँ से थोड़ा पतला है दूसरे घर का, वो भी हाथ से भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, तो वहाँ से गायब करना बहुत ईजी है। तो मैंने सोचा कि कहाँ रखा जाए, तो ध्यान आया मुझे कि जो मैं सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ यूज़ कर रही हूँ वो तो बाहर ही रखा पड़ा है, ये रहा है ना, क्योंकि इसकी पाइप का छेद नहीं हो रखा है। हाँ, क्योंकि इस पाइप का छेद वहाँ से हो नहीं रखा है, तो ये तो बाहर ही पड़ा हुआ है, तो मैं क्यों ना इसको बाहर रख के ये वाला ही अंदर रख देती हूँ। तो होगा क्या कि एक सिलेंडर मेरा अंदर चला जाएगा और एक बाहर का बाहर रहेगा, और निशान वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बड़ी चीज़ ना कि अगर ध्यान लगा के सोचो तो सॉल्यूशन हर चीज़ का है, लेकिन शर्त है कि पहले सोचो तो सही, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसके अरे मुझे ध्यान ही नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी सिलेंडर पड़ा हुआ है। अब क्या करूं, खाली है लेकिन, अब तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे करूं क्या। मैं इतना सारा सामान भी हटा दिया सारा का सारा यहां से सिलेंडर, और ये खाली भी नहीं। और अब मेरा मयूर जग कहाँ जाएगा, पानी का वाटर जग ये कहाँ जाएगा। सिलेंडर के ऊपर रख दिया, दिखाऊं मैं आपको, ये रखा है सिलेंडर और सिलेंडर के ऊपर वाटर जग रख दिया मैंने, और ये कपड़े मैंने धो के यहाँ सुखाने के लिए रखती हूँ मैं, यहाँ से धूप आती है उसी में सूख जाते हैं मेरे किचन के कपड़े हैं जो है ये स्लैब वगैरह पोछने के काम आते हैं। तो ये हो गया, एंड अब प्याज रखती है। Thank you.
सारे काम करने के बाद फाइनली मैंने डुगू को नहलाया है अभी, और हाँ डुगू को नहलाया है अभी और डुगू को मैं तैयार करने जा रही हूँ। किस लिए पूछो पूछो, किस लिए तैयार कर रही हो सोनिया? तो डुगू को आज से ट्यूशन उसकी ज्वाइन करवाई है मैंने, तो डुगू को ट्यूशन छोड़ने जाना है इसलिए। हाँ मम्मी सही नाम लिया। कपड़े नहीं पहनने आपको? पहनने लिखे। हाँ ये देखो चाय पहन लिया मैंने। टावल टावल चलो कपड़े पहनवाओ फटाफट से। मैं तो बोल रहा हूँ बात नहीं मानोगी सर। क्या बात माननी है आपकी बताओ। मैं तो ये गुजारता आज कल सुबह मेरे लोग से लड़ाई कर दी थी ना कल सुबह। किससे? मेरे लोग से। अच्छा क्यों? जो अच्छा ट्यूशन जाके क्या करोगे पहले बताओ। पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करोगे? हाँ लेकिन मम्मी आपको पता नहीं है मैं करूँ। कौन है आप? डुगू हैं आप? हाँ लेकिन मम्मी या कैमरे में आप तू दिख रहे हो। आप भी तो दिख रहे हो, तैयार हो गए आप, बता दो सबको। मैं तैयार हो गया हूँ। क्या दिखा दूंगा मैं अपने टीचर को? हाँ तो टीचर को सारी बुक उन्होंने मांगी थी ना देनी है। ठीक है इनको सारी बुक दे दूंगा मैं। मम्मी लेकिन मम्मी सारी बुक रखो। मैं रख रही हूँ बेटा, आपका बैग ही तैयार कर रही हूँ मैं। अरे मैं भी तैयार हो गया हूँ, मैं भी ले रही हूँ, तैयार हो गया हूँ ना। अच्छी बात है ना तैयार हो गए हो तो। हाँ लेकिन मम्मी अच्छी तो आपकी भी बात है लेकिन मेरी आपकी नोटबुक नोटबुक उसके भी अंदर है। अच्छा ये टीचर मांगेगी तो दे देना। ठीक है ठीक है। एंड पेंसिल और रेजर। लेजर? हाँ लेजर का पेंसिल ये रही इनकी। रेजर का है आपके? खिलेदा है ये लो ये भी ले लो। मम्मी लेकिन बैग तैयार है आपका, 10 मिनट में निकलेंगे तुम्हें छोड़ने के लिए। और दो टॉवल तो मैं बाहर फिर सुखा के आऊँ। टॉवल दो। अरे लेकिन डब्बा तो तब के गिर जाएगा। वेरी गुड।